कृष्णा, आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन की विंडो से। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स लगे हुए हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैंने बाहर पानी डाल के धूप में रखे हैं थोड़े से, जो मैं अंदर रखती हूँ किचन की विंडो पे। और ये मेरा एक कॉर्नर है, तो आज इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब खुश रहिए, बहुत हेल्दी रहिए। और आज मैं आपको बनाने दिखाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो आप घर पे ही स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्प्रिंग रोल शीट्स हैं, ये मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। इसमें 20 शीट्स 10 शीट्स के अलग अलग आते हैं, ये स्प्रिंग रोल शीट्स मिल जाती हैं इजीली। और देन ये मैं दिखाती हूँ, ये श्रेडिड जो है कैरेट ली है मैंने, इसको मैंने कूतर लिया है। और ये पतली पतली शिमला मिर्च काट ली है, ये देखिए ये बिल्कुल पतली पतली लच्छे काट लिए हैं इसको मैंने। और ये स्प्रिंग ओनियन का जो हरा वाला पार्ट होता है ये वो लिया है। और ये जो है कैबेज ले ली है, और इधर जो है मैंने ये स्प्रिंग ओनियन का स्प्रिंग ओनियन ही लिए हैं, मतलब कि जो पीछे वाला पार्ट था वो मैंने आपको दिखाया कि ये ग्रीन वाला है और ये स्प्रिंग ओनियन। आप दूसरा प्याज भी डाल सकते हैं इसमें। और ये गाइस जो है ये मैंने मैदा लिया है, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, और ये शेजवान सॉस ली है। ये देखिए गाइस, ये थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी घूम की, ये हमारे बगल वाले घर में ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप इसको इग्नोर इट। और ये सोया सॉस है, और ऑयल तलने के लिए, और नमक और काली मिर्च। तो आइए हम सबसे पहले ये गाइस मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। तो अब सबसे पहले हम इसमें ऑयल में हम डाल देंगे अपने स्प्रिंग ऑनियंस। आप वही मैंने बताया कि आप दूसरे प्याज भी ले सकते हैं, और इसको हम चलाएंगे थोड़ा सा। हमें चलाना है इसको, ज़्यादा नहीं चलाना हमने किसी भी सब्जियों को गाइस, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने कैप्सिकम। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जी को डाल सकते हैं, आपको जो सब्जी ज़्यादा पसंद है वो डालिए, और कम या बढ़ती भी कर सकते हैं। मैंने कैप्सिकम डाल दी, इसलिए हम डालेंगे कैरेट, थोड़ी सी कैरेट डाली हमने। तो फिर अगेन सॉटी करेंगे, हमारी सब्जियाँ जो हैं भुन गई हैं, सॉटी हो रही हैं, ज़्यादा नहीं पकाना हमने इनको गाइस। और इसमें हम डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा, आप इसमें चाहें तो लहसुन भी और अदरक भी काट के डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए गाइस। थोड़ा सा ना अगर आपको ठीक से नहीं पता चलेगा, तो मतलब कि मैं कैमरा मेरे हाथ में है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। अब इसमें हम डालेंगे अपनी कैबेज, हमने कैबेज डाली, कैबेज लास्ट में डालनी है, और इसको फिर मिक्स दे देंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली बनने वाला ये स्नैक है, जैसे ही घर में कोई आए, और अगर आपके पास चीज़ रखी हो, और सब्जियां तो देखिए ये विंटर्स की जो सब्जियां हैं आजकल घर में होती ही होती हैं, तो इस तरह से ये करना है हमने। थोड़ी वो डाल देंगे, और ये डाल दिए हमने अपने स्प्रिंग ऑनियन, अब इसमें हम मैं डालूँगी यहाँ पर सोया सॉस 2 चम्मच। आप देख लीजिए कि आपको किस हिसाब से जितना, मतलब थोड़ा सा ही काला करिए तो बेटर रहेगा, ज़्यादा काला अच्छा भी नहीं लगता, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। और ये वही शेजवान सॉस 1 चम्मच, ये मैंने 1 चम्मच ले ली यहाँ पर,
और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग, एंड देन काली मिर्च, मिक्स एक मिक्स दे दीजिए ज़्यादा, वही हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना। सॉरी गाइस, खांसी भी आ रही है। अब ये हमारी तैयार हो चुकी हैं, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होना रखेंगे जब तक, क्योंकि हमें शीट्स में इसको भरना है, तो एकदम वैसे गरम भी भर, इतनी गरम तो भरते नहीं है, थोड़ा सा ही मतलब ठंडा करके ही भरेंगे जिससे कि हमारी शीट्स जो हैं फटे नहीं। तो इस तरह से हम प्लेट में निकाल के रख लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। पहले ये गाइस देखिए, मैंने इधर, अब हमारी सब्जियां ठंडी हो चुकी हैं, इधर मैंने जो है ऑयल रख दिया है कढ़ाई में, और ये मैं बाइंडिंग के लिए, ये मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने मैदा लिया था 2 चम्मच बड़े, और इसको हम, मैं अब पानी डालूँगी थोड़ा सा और इसको एक गाढ़ा सा घोल तैयार करूँगी। ये समझ लीजिए कि जैसे मतलब कि एक गम होती है ना, हमें उसी तरह से इसको तैयार करना है। इस तरह से इसको हमने बाइंडिंग के लिए इसको बनाना है, चिपकाने के लिए, राइट। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी बाइंडिंग बनानी। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये शीट ले ली है, और सबसे पहले इसमें जो है हम अपनी ये बाइंडिंग हमने तैयार की थी ये रख देते हैं, डाल देते हैं इस तरह से, हमने अपनी बाइंडिंग डाल दी। अब ये हमने बाइंडिंग डालने के बाद इसको, ये जो हमने अपना घोल तैयार किया है ये हम साइड्स में लगा देंगे इस तरह से, दोनों साइड्स में लगाएंगे। ये हमने लगा दिया, और इधर हम चाहे बाद में भी लगा लें चाहे पहले लगा लें वो कोई मैटर नहीं है, तो हम लगा ही लेते हैं। और इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसको गाइस फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए ये फोल्ड किया हमने एक बिल्कुल ईजली आराम से, और देन इसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा हम गोल यहाँ भी लगा देंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए, और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे ताकि यहाँ भी लगा देंगे हम, थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छी हो जाए। और इस तरह से हम फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे एंड देन ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये हमारी तैयार हो गई है, और थोड़ा सा इसको पक्का करने के लिए हम थोड़ी सी बाइंडिंग यहाँ भी लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी बाइंडिंग लगा दी, और इधर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है, देखिए हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको तेज़ नहीं करना कि एकदम से तेज़ आपने कर लिया ऑयल और एकदम से डाला और बिल्कुल काले हो गए, वो नहीं करना, हमने थोड़ा सा इसको स्लो कर देना है और इस तरह से हमने ये डाल देना है। ये देखिए गाइस भी हमारा तैयार भी हो चुका है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा सुंदर दिख रहा है। ये देखिए निकाल लेते हैं हम इसको प्लेट में,
इसी तरह से ये भी हमारा सिक रहा है। आप थोड़ा सा ब्राउन करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लीजिए, और कम करना चाहते हैं तो कम कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग जो है इसको एक देखिए, ये देख सकते हैं ये क्रिस्पीनेस इसकी कैसे आवाज़ आ रही है, ये क्रिस्पीनेस होती है, ये देखते हैं। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे अपने कटर से। देखिए पहले मैं आपको दिखाने के लिए कट किया, ये देखिए कितनी इसकी फ्रेश सब्जियाँ दिख रही हैं गाइस। देखिए इस तरह से आप कट कर लीजिए और हम अपनी प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए हमारे क्रंची क्रंची जो हैं स्प्रिंग रोल्स तैयार हो गए हैं गाइस। मैं आपको ये बता दूं कि ये शीट्स जो है आप ऐसे फोल्ड करके आप अपने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो जब आपका जी चाहे आप तल लीजिए उसको। और ये देखिए फर्स्ट क्लास ये स्वीट चिली सॉस ली है मैंने, ये हम्मस ली है, और आप इसके साथ खाइए और पसंद कीजिए मेरी वीडियो, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगेन गाइस। अब आप ना बीच बीच में मोटिवेशन और लाइक्स बिल्कुल कम देने लगते हैं, कमेंट्स भी नहीं देते, तो फिर मुझे बड़ा सा फील होता है, तो फिर मेरा मोटिवेशन है ना वो लो चला जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं बनाऊँ या बनाऊँ। मैं सच्ची बात बता रही हूँ अपने दिल की। तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए अपने प्यारे प्यारे। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।